पन्नाधाई चुपचाप बैठ के उंगली कर दी और वो बनवीर सीधा गया एंड कट 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 छोटे से बच्चे को लहूलुहान करके, और पन्नाधाई के मुंह से एक चीख तक नहीं निकली। हम लोग एक दिन रात को गए एक पार्टी में, बहुत पहले करीब 2012-13। तो 10-15 दोस्त पुणे से हम लोग इकट्ठे हुए और किसी सतारा में किसी के फार्म हाउस पे हम पार्टी करने गए, और सतारा में किसी के फार्म हाउस, तो हमारे बीच में एक सर थे वो प्योर वो थे वेजिटेरियन और बाकी सारा ग्रुप नॉन वेजिटेरियन वाला, और हम सब लोग गए। अब रात को ना किसी को मस्करी चढ़ी, उन्होंने वो जो दूसरे इंसान थे वेज वाले उनसे मजाक कर दी। वो खाना खाने बैठे ही थे और उन्होंने खाया आलू, बोले पता है आपको इसमें ग्रेवी कौन सी है? अरे यार तुम लोगों ने ये कर दिया, ये मैं अभी जा रहा हूँ और मैं तुम लोगों से बात ही नहीं करूँगा। और वो तो अपनी, बोले जाओगे कैसे साला, तुम सकतारा के जंगल में हो, यहाँ से हाईवे भी 5 किलोमीटर, रात को 11-12 बजे। बोले तुम लोग ये वो गालियां बकना शुरू, अनाप शनाप। फिर उनको समझाया, मेरे बाप तेरे से मजाक की है। नहीं नहीं मैं कैसे मान लूं मजाक की है, तुम लोगों ने सच में किया। वो मारने को ही तैयार नहीं, इतनी मजाक। देखिए कई बार आइडियोलॉजी पे आ जाती है तो आदमी कितना खूंखार हो सकता है, आइडियोलॉजी पे आ जाती है। तो कहते हैं आइडियोलॉजी इज समथिंग विच कैन नॉट चेंज। अब किसी ने कहा सर आइडियोलॉजी का एग्जाम्पल दीजिए कि आइडियोलॉजी चेंज ही नहीं होगी, और विजन चेंज हो सकता है आपका। विजन मतलब बी है आपका 20-15 साल का गोल थोड़ा चेंज हो सकता है। आज मैं कह रहा हूं 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करूंगा, हो सकता है 2030 में मैं बोलूं कि अब मैं 100 करोड़ को इंस्पायर करूंगा, या हो सकता है 2019 में मैं बोलूं मैं 60 करोड़ को इंस्पायर करूंगा। 50 का 60 कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं अपन, लेकिन किसको चेंज नहीं करना, कोर आइडियोलॉजी को। तो इसका सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल में, इतिहास में सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है ना, वो एक लेडी का है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने उनकी कहानी सुनी या नहीं सुनी, ये कहानी है पन्नाधाई की कहानी। पन्नाधाई मेवाड़ की धायमा होती थी, धायमा मतलब जो राजकुमारों वगैरह को रखती थी, खिलाती पिलाती थी, उनका ध्यान रखती थी, राजस्थान से मेवाड़ से। बोले मेवाड़ के राजघराने में राणा रतन सिंह जी को उनका ही कजन ब्रदर बनवीर ने मारने की योजना बनाई, और बनवीर ने एक एक करके राजघराने के सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पूरे राजघराने में हैवानियत फैल गई। अब बनवीर ने कहा एक, और राणा उदय सिंह जो कि छोटा सा बच्चा था, 3-4 साल का बच्चा था, बोले इस राणा उदय सिंह को भी मार देता हूं ताकि मेरा कोई शत्रु बचेगा ही नहीं, नहीं तो ये बड़ा जिस दिन होगा ना उस दिन मुझसे नफरत करेगा, मुझे मेरे खिलाफ षड्यंत्र करेगा, इसको भी अभी निपटाना पड़ेगा। और वो जानता था कि वो राणा उदय सिंह जी किसके साथ रहते थे, राणा उदय सिंह जी रहते थे पन्नाधाई के पास। वो गए पन्नाधाई के कक्ष में, पन्नाधाई के कक्ष में पन्नाधाई को सूचना मिली। ओ माय गॉड, पन्नाधाई को सूचना मिली ये बनवीर ने क्या क्या कर दिया, कैसा कैसा कर दिया, इसने तो सबको मौत का घाट उतार दिया, अब ये राणा उदय सिंह को भी मार देगा। ओ माय गॉड, दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। पन्नाधाई ने वो किया जो कि इतिहास में किसी माँ ने शायद आज से पहले नहीं किया। पन्नाधाई ने उसी की, राणा उदय सिंह के हम उम्र बच्चा था पन्नाधाई का खुद का, जिसका नाम चंदन था। चंदन और उदय सिंह रात के अंधेरे में दोनों सो रहे थे, पन्नाधाई ने फलों फूलों की टोकरी में राणा उदय सिंह को सुलाया और उस बच्चे को महल से बाहर निकाल दिया, और उनके बिस्तर पे अपने बच्चे चंदन को चद्दर ओढ़ा के सुला दिया। बनवीर आया गुस्से में, फुफकारता हुआ, ये सारी घटना रात की है, रात को 1-2 बजे वो आया और पन्नाधाई के कक्ष में गया, बोला खिला रहे वो? पन्नाधाई चुपचाप बैठ के उंगली कर दी और वो बनवीर सीधा गया एंड कट 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 छोटे से बच्चे को लहूलुहान करके, और पन्नाधाई के मुंह से एक चीख तक नहीं निकली। उन्होंने अपने आप को उस लेवल पे कंट्रोल किया। दोस्तों इसको कहते हैं कोर आइडियोलॉजी, ये थी स्वामी भक्ति की कोर आइडियोलॉजी। बोले कोर आइडियोलॉजी जब है ना, उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े वी आर रेडी, बट कोर आइडियोलॉजी को नहीं बदल सकते आप। में से कई लोगों के कल सवाल आएंगे,
आज रात को सवाल आएंगे या परसों सवाल आएंगे, सर लेकिन इसको फॉलो करेंगे और बिजनेस में लॉस हो गया तो वापस से पन्ना ढाई पे आना है। मैं आंसर उस समय दूंगा पन्ना ढाई। आप बोलोगे सर आज के युग में ये पॉसिबल नहीं है, मैं बोलूंगा पिछले 5000 सालों में भी ये किसी और के लिए पॉसिबल नहीं था, पन्ना ढाई को छोड़कर। आपको पन्ना ढाई कौन थी वो? कोई एक छोटी सी छोटी मामूली छोटे मोटे काम करने वाली एक ढाई माँ थी, उसका नाम इतिहास में अमर हो गया, लेकिन तब हुआ जब उसने कोर आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट किया।